हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ICICI बैंक में अपना डिपॉजिट करवा रखा है तो आपके लिए एक बुरी खबर है। कोरोना संकट में आम लोगों के लिए लोन लेना तो आसान हुआ है, लेकिन बचत पर भी कैंची चली है। बीते 2 महीने में लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर कम कर दिया है। कुछ बैंकों ने तो लॉकडाउन के दौरान 2 बार FD की ब्याज दर पर कैंची चलाई है। इसी के तहत प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने FD रेट्स में 50 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती को 11 मई से लागू भी कर दिया गया है। इसके बाद अब 1 साल तक की FD पर 5.25% की ब्याज दर मिलेगा। वहीं 1 साल से ज़्यादा की FD पर ब्याज दर की बात करें तो ये 5.75% तक होगा। देश में पारंपरिक सुरक्षित और निश्चित ब्याज इनकम के लिए बड़े पैमाने पर FD में निवेश किया जाता रहा है। इससे पहले अप्रैल के महीने में बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर में भी भारी कटौती किया था। ICICI बैंक ने सेविंग अकाउंट में 2 करोड़ रुपए तक की राशि के लिए ब्याज दर में 0.25% की कटौती कर दी है। अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए तक जमा कर रखे हैं तो अब आपको 3.50% के बजाय 3.25% ब्याज दिया जाएगा। वहीं 50 लाख से अधिक लेकिन 2 करोड़ से कम रुपए जमा करने पर ब्याज 3.75% दिया जाएगा, जो पहले 4% हुआ करता था। वहीं SBI की नई दरें भी लागू हो चुकी हैं। कुल 2 महीने में तीसरी बार है जब बैंक की ओर से फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दर कम की गई है। SBI ने 3 साल की अवधि तक की FD पर ब्याज दर में 0.20% तक घटा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक नई अपडेट ICICI बैंक की तरफ से। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।